नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अतिथि शिक्षकों के चिन्हांकन की जो प्रक्रिया है वो अब पोर्टल पे प्रारंभ हो चुकी है। पूरी प्रोसेस क्या है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको, वीडियो पे जरूर बने रहें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक संयुक्त काउंसलिंग, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है लॉगिन साइनअप, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइनअप इंस्ट्रक्शन, तो इसमें लिखा है प्लीज साइनअप बिफोर प्रोसीड टू काउंसलिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करना होगा। जैसे ही आप साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक नया यूजर प्रोफाइल निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा प्राथमिक शिक्षक। इसके बाद यहाँ से आपको अपना रोल नंबर और DUB इंटर करके मोबाइल या फिर ईमेल के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा जिस पे OTP आना है। इसके बाद यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे के सेंड पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना OTP इंटर करना होगा जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया होगा। OTP इंटर करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। OTP इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा प्रोफाइल लॉगिन के लिए। यहाँ पे आप अपने अनुसार पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा है प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएट सक्सेसफुली। इसको ओके कर देंगे आप। यहाँ से आप यूजर लॉगिन पे अपना प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना रोल नंबर इंटर करेंगे वर्ग 3 का। इसके बाद यहाँ पे आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसको इंटर कर, यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर देके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको DPI और ट्राइबल विभाग के ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें से आपको DPI पे क्लिक करना होगा। DPI पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी प्रोफाइल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर प्रोफाइल में नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है गेस्ट फैकल्टी। यहाँ से आप अपनी जानकारी, यदि आप गेस्ट फैकल्टी से हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, यदि आप गेस्ट से नॉन गेस्ट में हैं तो नो पे ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।